Vanachari.
भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 11। अफलाकांक्षिभिः यज्ञः निष्टः विधिदिष्टो या इज्यते यस्तव्यम् एव इति मनः समाधाय सः सात्विकः
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञ विद्धिदिष्टो यैज्यते विद्यदिष्टो यैज्यते यस्तव्यं येवेति मनः यस्तव्यं येवेति मनः समाधाय स सात्विका समाधाय स सात्विका अबलाकांक्षिभिर्यज्ञो समाधाय स सात्विका अबलाकांक्षिभिर्यज्ञो विद्धिष्टो यैज्यते यस्तव्यं वेति मनः समाधाय स सात्विका अबलाकांक्षिभिर्यज्ञो निर्दिष्टो युज्यते सव्यम हे वेदि मनः स समाधाय स सात्विका अबलाकांक्षिभिर्यज्ञो निर्दिष्टो युज्यते सत्यमेति मनः समाधाय स सात्विका अबलाकांक्षिभिर्यज्ञो निर्दिष्टो युज्यते सम्येवेति मनः समाधाय स सात्विका अनुवाद तात्पर्य जीवन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए ऑफ सैक्रीफाइसेस द सैक्रीफाइस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी बट दोज हु डिजायर नो रिवॉर्ड इज द नेचर ऑफ गुडनेस द जनरल टेंडेंसी इज टू ऑफर सैक्रीफाइस विद सम पर्पस इन माइंड बट हियर इट स्टेट्स दैट द सैक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड विदाउट एनी सच डिजायर इट शुड बी डन एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी. Take for example the performance of rituals in temples or in churches. Generally they are performed with some purpose for material benefit, but that is not the mode of goodness. One should go to temple or church as a matter of duty, offer respect to the Supreme Personality of Godhead and offer flowers and eatables. Everyone thinks that there is no use of going to a temple just to worship God, but worship for economic benefit is not recommended in the scriptural injunctions. One should go simply to offer respects to the deity. That will place one in the mode of goodness. It is the duty of every civilized man to obey the injunctions of scriptures and to respect the Supreme Personality of Godhead. Om Ajnana Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Melitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Sma Padantikam वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम श्रीगुरन् वैष्णवांश श्रीरूपं साक्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिहंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणलितांश विशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तीन प्रकार के भोजन के विषय में चर्चा हुआ, सात्विक, राजसिक, तमसिक। तो सात्विक भोजन के विषय में कहा गया है कि आयु सत्तबलो बला आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना विवर्धना रसायाः स्निग्धः स्थिरः हृदयाः आहारः सात्विकप्रियः। सात्विक आहार, उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सात्विका प्रियः, सात्विक लोगों के लिए प्रिय है। सात्विक लोगों के लिए सात्विक आहार प्रिय होता है, रजसिक लोगों के लिए रजसिक आहार प्रिय होता है, तमसिक लोगों के लिए तमसिक आहार प्रिय होता है। इसलिए ये बहुत अच्छा है, जो कोई व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा है, उसके गुणों के अंतर्गत होके कह रहा है, ये नहीं कि वो सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा लगेगा। किसी ने कुछ चीज़ को चखा, कोई देखा, उनकी अपनी दृष्टि से उनके अनुभव के अनुसार अच्छा बुरा बोलता है। इसलिए इस संसार में अच्छा नहीं है, बुरा कुछ कहेंगे। कुछ चीज़ें आपको अच्छा लगता है, किसी और को बुरा लगता है। किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता, वो किसी के लिए अच्छा लग सकता है। इसीलिए मुझे जो अच्छा लगता है सबको अच्छा लगता है क्योंकि सोचना ये मूर्खता है। आत्मवत मन्यते जगत। व्यक्ति क्या सोचता है कि सारा जगत जो है वो मेरे जैसा ही है, मुझे अच्छा लगता है तो इसको भी अच्छा लगना चाहिए, मुझे अच्छा ही लगता है तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसे विचारधारा लोगों के मन में रहता है। तो ये क्यों है, अलग लोगों को अलग चीज़ पसंद क्यों है, गुणों के वजह से। आत्मा एक ही है, सबका आत्मा एक ही है, एक ही जैसा है, सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी दो लोगों का स्वभाव एक जैसा नहीं है। क्यों? आप भी आत्मा, भी आत्मा, सब दो लोगों का स्वभाव एक जैसा नहीं है। क्यों? इतना सारा वैरायटी कहाँ से आया? इतना सारा वैरायटी ये आया है गुणों का मिश्रण की वजह से। तीन गुण हैं, वो तीन गुणों का अलग अलग परसेंटेज में मिश्रण होता है तो अलग अलग चेतना का स्तर उत्पन्न होता है। उस चेतना के स्तर के अनुसार उनका एक सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर प्राप्त होता है। लेकिन वैसे इतने सारे रंग हैं, एक रंग में अनेक अनेकों प्रकार के शेड है। जैसे लाल, अभी सब लोग लाल कपड़ा पहने हैं, लेकिन इनका लाल अलग, उनका लाल अलग, इनका लाल अलग, इनका लाल अलग, देखो। हाँ, और एक का तो कुर्ता लाल का लाल अलग अलग, उसके धोती का लाल अलग रहेगा। सबको लाल कपड़ा बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर वैरायटी है। कि ये कहाँ से आया वैरायटी? केवल तीन कलर से आया। क्या है वो तीन कलर? रेड, ब्लू, येलो, लाल, नीला, पीला। ये तीन रंगों का अलग अलग मिश्रण से अलग अलग अनंत प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं, और एक रंग के अंतर्गत अनंत प्रकार के शेड्स उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार सत्व, रजस, तमः, ये तीन गुणों का अलग अलग मात्राओं के मिश्रण की वजह से अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर की चेतना उत्पन्न होता है, बद्ध अवस्था की चेतना उत्पन्न होता है अलग अलग स्तर के। तो इसकी वजह से कोई व्यक्ति कहता है ये सही है, गलत है, ये अच्छा है, बुरा है, ये सब भ्रम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही भालो, यही मंद, यही सब भ्रम। यही भालो, भालो मतलब क्या है? अच्छा। यही मंद मतलब ये खराब है। यही सब, ये सब भ्रम है। एक ही चीज़ अच्छा है, वो है कृष्ण भक्ति। तब एक प्रश्न उठा सकते हैं, प्रभु जी आपने केवल कृष्ण भक्ति अच्छा कहा, फिर आप सात्विक भोजन के विषय में क्यों कह रहे हैं? सुबह तो आप संस्कृति के विषय में बहुत कहा, क्यों? क्योंकि सात्विक जीवन वो है आध्यात्मिक जीवन के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है। वैसे हमको केवल सात्विक नहीं बनना है, शुद्ध सत्व के स्तर को प्राप्त करना है, लेकिन शुद्ध सत्व के स्तर को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है?
सात्विक जीवन की आवश्यकता है। जो सोचता है कि राजसिक और तामसिक भोजन, राजसिक और तामसिक संस्कृति के अंतर्गत रहते हुए मैं कृष्ण भक्ति करूं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जो आजकल कुछ लोग उसको प्रस्तापित कर रहे हैं, आप कृष्ण भक्ति कर सकते हो, पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार करते हुए कृष्ण भक्ति कर सकते हो, क्योंकि पाश्चात्य देश में ऐसी सभ्यता चलती है, सभ्यता तो भौतिक है, उनको सूट बूट कुछ भी पहनना पहने दो, उसको जप करे बोल बस, हाँ तो कृष्ण भक्ति करने दो, संस्कृति की कोई आवश्यकता नहीं है, वैदिक सभ्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो अपने सारे शिष्याओं को साड़ी पहनाए, हाँ तो ऐसा क्यों है, उधर तो लोग चड्डी पहन के घूमते थे, ठीक है चड्डी पहन के दीक्षा में बैठो करके क्यों नहीं बोला, है कि नहीं, हाँ तो उनको क्या क्या तो खाते थे, हाँ बर्गर खाते थे, हैम बर्गर खाते थे, सुअर का मांस खाते थे, ठीक है कुछ भी जो भी खाओ, कुछ लोगों का ऐसी स्थिति है, ऐसी सिद्धांत है, शरीर और आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, शरीर को जो चाहे वो खिला दो, वो आत्मा तो आत्मा है, दिव्य है, उससे कुछ मतलब नहीं है। इसलिए आप कुछ भी खा सकते हो और आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। ऐसी एक प्रथा अभी प्रचार हो रहा है, हाँ सूट बूट पहनो, मंदिर में आ जाओ बैठ को, सूट बूट पहनो और भागवतम क्लास दो चलेगा, आराम से सूट भी पहन सकते हो, बूट पहन सकते हो, मंदिर में आ सकते हो, आके भगवान को प्रणाम कर सकते हो, अगर आप कराटे कुंफू सीखे हो तो आपका प्रणाम करना अलग है ना, ऐसा कर सकते हो। तो अंततः आपको क्या करना है, कृष्ण भक्ति करना है बस, इनसे क्या लेना देना कृष्ण भक्ति, ऐसा एक प्रचार चल रहा है लेकिन गलत है। शिला प्रभुपाद जी अपने उपदेशामृत के इंट्रोडक्शन में शुरुआत में कहते हैं, उपदेशामृत का उद्देश्य क्या है, सत्वगुण में आना, सत्वगुण में आना, द पर्पज उपदेशामृत इज टू ब्रिंग यू टू द मोड ऑफ गुडनेस, क्योंकि सत्वगुण में रहोगे तो भक्ति जो है बड़े आसानी से कर सकते हो, सुबह उठना आसान होगा, जप करना आसान होगा, भागवत पढ़ना आसान होगा, प्रसाद ग्रहण करना आसान होगा, भक्तों के साथ संगति करने में आसान होगा, और कोई भी अगर कुछ गलत बोलता भी करता भी है तो माफ़ कर देना आसान होगा, है कि नहीं। अभी ये बड़ा सरल कार्य है कि नहीं, सुबह जल्दी उठना कौन सी बड़ी बात, लेकिन मुश्किल रख रहा है, क्यों, रजोगुण तमोगुण की वजह से, हाँ शांति से बैठ के भागवत को घंटों भर के सुनना ये कौन सा है, आसान काम है, इससे आसान काम कोई नहीं, लेकिन फिर भी मुश्किल होता है, कब खत्म होने, क्यों ऐसा क्या हो रहा है, क्यों, क्या रजस तमो गुणों की वजह से, गुणों के प्रभाव, इसलिए पहले सात्विक बनो, इसे वर्णाश्रम धर्म का स्थापना के लिए प्रभुपाद जी ने कहा। प्रभुपाद जी आखिरी में जब अपना शरीर क्या कर रहे थे, मैं 50% हैव डन, 50% इज येट टू बी डन, आई लेफ्ट यू, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम क्यों, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा आप सात्विक नियम, सात्विक जीवन को यापन करोगे, भले ही शूद्र हो, भले ही वो ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है, वर्णाश्रम धर्म के जो नीति रीति नियम पालन करते हैं तो क्या होता है, वो सात्विक हो जाता है, भले ही तामसिक बुद्धि भी क्यों ना हो, शूद्र का क्या रहता है, सबसे ज़्यादा तामसिक रहता है, फिर भी वो सात्विक रह सकता है, कब रह सकता है वो, कब, जब वर्णाश्रम धर्म को पालन करता है, भले ही इसका जन्म जो है रजो तमो के अंतर्गत होने पर भी वर्णाश्रम धर्म के रीति रिवाज को पालन करने से तो वो ऑटोमेटिकली सात्विक होता है, क्योंकि वर्णाश्रम जो है वो सात्विक सभ्यता, वर्णाश्रम क्या है, वो सात्विक सभ्यता, कारण क्या है, वर्णाश्रम सात्विक सभ्यता है, इसकी कारण क्या है, क्योंकि सबसे पहला वर्णाश्रम धर्म में क्या सिखाया जाता है, आज का श्लोक का सब्जेक्ट है वो, क्या सिखाया जाता है, यज्ञ, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञमयम वेदम यज्ञमयम, वेदों में वर्णाश्रम धर्म प्रतिपादित है, और वेद में कौन प्रतिपादित कौन है, विष्णु, विष्णु कौन है, यज्ञो वै विष्णु, विष्णु का नाम है यज्ञ,
कहाँ गीता में भगवान कहाँ कहते हैं मेरा नाम यज्ञ है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मबंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्तसंग समाचरः। उसी चीज़ को कर्म कहा जाता है जब वो कार्य को भगवान की यज्ञार्थात कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए किया गया उसी को कर्म कहा गया है, अन्यथा वो क्रिया मात्र है। हर कार्य क्रिया, हर क्रिया कर्म नहीं होता, हर कार्य कर्म नहीं होता। कर्म तदर्थम कर्म कौन्तेया, जब हमारे कार्यों को विष्णु को केंद्र में रखते हुए उनके यज्ञार्थात, यज्ञार्थात करता अर्थात मतलब के लिए, हाँ यज्ञ, यज्ञ के लिए मतलब यज्ञ कृष्ण का एक नाम है, उनके लिए जब कार्य किया जाता उसी को कर्म कहा गया है। तो स्वाभाविक तरीके से वर्णाश्रम धर्म को जो पालन करता है उसको सबसे पहले सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? यज्ञ करो। बचपन से जन्म लेते ही सबसे पहला क्या सिखाया जाता है? यज्ञ करना सिखाया जाता है। यज्ञ मतलब क्या है, इसका एक सरल परिभाषा देता हूँ। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ शब्द का अर्थ हम लोग सोचते हैं कि कोई दो तीन ब्राह्मण आएंगे, हवन हो रहा है, स्वाहा स्वाहा करे, यज्ञ है। वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ का अर्थ ये है, जिस वस्तु को मैंने अज्ञानवश अपना माना है उस वस्तु को उनको अर्पण करना जिसका ओरिजिनली वो चीज़ है, उसको यज्ञ कहा गया है। अज्ञानवश मैंने क्या किया है, इस घर को, हाँ मानो कि गृहस्थ अपने इस घर को क्या मानता है, प्रभु जी मेरे घर में आइए ना, प्रभु जी वाह आपका घर है, हाँ मान के बैठा है आपका, उसका घर नहीं है लेकिन फिर भी मेरे घर में आए ना, मेरे घर में, इतना स्वाभाविक तरीके से झूठ बोलता है। हाँ उसका है नहीं वो, क्योंकि 100 साल पहले उसका था नहीं, 100 साल के बाद उसका नहीं रहेगा, अभी मान के बैठा है कि मेरा है, कि मान्यता मात्र है। और कोई कहता है कि मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पति है, मेरी पत्नी है, ये सब नहीं है, लेकिन अज्ञानवश क्या मान के बैठा। विमुक्त मानिनः मनुते, मनुते शब्द आया, कहाँ आया है, या सम्मोहितो जीवः आत्मनाम त्रिगुणात्मकम्, आत्मनाम त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुते, ये सबसे परे है लेकिन मान के बैठा है। क्या मान के बैठा है? मैं शरीर हूँ और शरीर के संबंधित जितने वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वो सब मेरे हैं। अज्ञानवश जिसको मेरा करके मान के बैठा है उसको क्या करना? अर्पण करना। अर्पण करने से क्या होगा? दो चीज़ें होगा, दो चीज़ें। एक, उस वस्तु को अपनाने के पीछे जो पाप है वो पाप कम होगा, और दूसरा आपके मन में जो पाप वृत्ति है ये मेरा करके समझना, वो वृत्ति भी कम होगा। ये दो महत्वपूर्ण फल है। पहला क्या है? पाप, उस वस्तु को कमाने के लिए पाप लगा कि नहीं, कोई भी आप पाप किए बिना 1 रुपये भी कमा नहीं सकते, पाप के बिना 1 रुपये भी कमा नहीं सकते, पाप के बिना आप इंद्रिय भोग नहीं कर सकते। तो हरेक व्यक्ति कमा रहा है, इंद्रिय भोग कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? वो पाप कर रहा है। तो पाप को कम करने के लिए क्या करना होगा? अर्पण करना होगा। और दूसरा, ये वृत्ति है, ये मेरा है, क्योंकि वृत्ति जो है वो कितना भी शास्त्र पढ़ लो कम नहीं होगा। वो कब कम होगा? यज्ञ करने के द्वारा ही कम होगा। इसलिए यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पूरा भगवद गीता में एक ही सब्जेक्ट है, क्या है वो? यज्ञ। शुरुआत में यज्ञ है, बीच में यज्ञ है, अंत में यज्ञ है। शुरुआत में भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञ करो, जो जो आप चीजें कमाए हैं, वस्तुएं हैं, उसको द्रव्य यज्ञ करो। और अंत में भगवान ने क्या किया? अपना अहंकार को यज्ञ करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पहला शुरू किससे होता है? मेरे वस्तुओं को यज्ञ करने से शुरू होता है। और अंत किस में होता है? मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अपना अहंकार जो है उसको आहुति देने में, हाँ इस पूर्णाहुति होता है। इसलिए यज्ञ का पूर्णाहुति कौन सा है?
जब अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने आप को समर्पित करने का अर्थ क्या है? यज्ञ कुंड में कूद जाना? नहीं, यज्ञ कुंड में अपने अहंकार को डाल देना। अभी तक हम क्या सोच रहे थे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ना हूँ, ये हूँ, सबको उठा के फेंक दूँ। मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का दास हूँ। तो ये भगवद्गीता का मुख्य उद्देश्य है। अचानक किसी को बोला, देखो आप जानते कौन हो, कृष्ण का दास हो, क्या करो, कृष्ण का सेवा करो। ये सब क्या फालतू काम कर रहे हो, कृष्ण का सेवा करो, कोई कर पाएगा? उस हद तक लाने के लिए क्या करना होगा? पहले लाइफ में रोना होगा। हाँ, लाइफ में रोना हो, अच्छा मंदिर बन रहा है, कुछ हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा बोला हो जाएगा, देखो हाँ आप आइए मंदिर में, आइए जरा देखिए ऐसा हो रहा है, आशीर्वाद मिलेगा, अरे पुजारी आ जाओ, थोड़ा सा उनको शटारी रखो। अच्छा अरे ऐसा तो हाँ ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिला मुझे, हाँ मेरे कंपनी में मेरे नौकर लोग भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करते, और आके गरम गरम हलवा पूरी खिला, अरे ऐसी गरम गरम हलवा पूरी मेरी पत्नी भी नहीं खिलाया, चलो बन जाते। तो क्या किया उसने, यज्ञ किया, ही स्टार्टेड डूइंग यज्ञ। तो ऐसा यज्ञ करते 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 एक ऐसा एक समय आएगा जब वो अपना अहंकार को यज्ञ कर देगा, एक अहंकार को त्याग करेगा। अहंकार का त्याग जो है वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रजा, कृष्ण का 100% शरणागति की ओर लेके जाना। तभी प्राय जो यज्ञ करते हैं वर्णाश्रम धर्म में, उसमें तीन बातें होती। सबसे पहला, सात्विक यज्ञ के लिए तीन बातें जरूरी हैं। सबसे पहला क्या है, आफलाकांक्षी भी, आफलाकांक्षी भी। देखिए दो प्रकार के लाइफर बनते हैं, एक तो मंदिर बन रहा है जो अच्छा काम कर रहे, चलो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, वो लाइफ मेंबर हमेशा प्रगति करेगा, बहुत सुखी रहेगा। जो सोचेगा मुझे, अरे इन लोगों को तो बहुत बड़ा अलग अलग जगह होटल है, हाँ गेस्ट हाउस है, उधर मुझे बुकिंग मिल सकता है, ये बहाने वो बनता है, हमेशा दुखी रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा। क्योंकि उसका जो त्याग है वो कैसा है, उसका यही है कि इसके राजस्तमो भावना में, उसकी वजह से हमेशा दुखी रहेगा, उसको कहीं नहीं मिलता। तो देखा गया, अनुभव से बोल रहा हूँ, जो ऐसे मेंबर बन जाता है ना, उसको मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है उनको। लेकिन जो इच्छा के साथ बनता है, भगवान अच्छा बोलेंगे, हाँ ऐसे तीन दिन रुकने के हिसाब से बनाता, हाँ अभी आओ, चलो दिल्ली आओ, वो बताता हूँ, जाएंगे और उधर दिल्ली में लग गए, हमने गेस्ट हाउस बुकिंग किया था, आपने आने के लिए कहा था, आप तो लेट आ गए, हमने किसी को दे दिया, हो गया रोड पे है। नहीं मैं मेंबर हूँ, अरे मेंबर तो बहुत सारे ऐसे बोलेंगे। इसलिए पहला क्या है, अफलाकांक्षी ही, आकांक्षा मत रखो, किसी से आशा मत रखो, ये आशा ही हमारा दुख का कारण है। एक ही आशा रखो, किसका आशा रखो, कृष्ण को प्राप्ति का आशा रखो, कृष्ण का कृपा प्राप्त करने का आशा रखो, वो आशा कभी मत छोड़ना। हाँ निराशा होने पर भी आशा बना के रखो, लेकिन कोई और चीज़ का आशा मत करना। तीन कंपान सुसमीक्षमाणा, हाँ एक ही चीज़ का इंतजार करो, एक ही चीज़ का आशा करो, कृष्ण का दर्शन कब होगा, कृष्ण का कृपा कब प्राप्त होगा, शास्त्र के अंदर रुचि कब होगा, रिना में रुचि कब होगा, इसकी आशा बना के रखना। तो एक पिंगड़ा करके एक वेश्या थी, तो फ्रस्ट्रेट होकर सारी आशा छोड़ दी, ने कहा आशा ही दुख का कारण है करके छोड़ दिया उन्होंने। तो भौतिक स्तर में हर व्यक्ति के प्रति जो भी आपने आशा रखा था, सारी आशा छोड़ दो। तो जी मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मेरी सेवा नहीं करती, बात नहीं सुनती। अरे आपका दुख का कारण आपकी पत्नी नहीं, आपकी आशा है। आप एक्सपेक्ट ही क्यों किया, आजकल की स्त्रियों के बारे में जानते नहीं हो क्या, कॉलेज की लड़कियाँ जो आके विवाहित है उनको मालूम ही नहीं, खाना बनाने भी नहीं मालूम है, मैं क्या आशा करोगे, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। वैसे किसी भी आशा मत करो, आशा करना है क्या करो, किसका आशा करो, कब रुचि होगा इसका आशा रखो, गुरु की कृपा कब प्राप्त हो। और दूसरा आशा एक्सपेक्टेशन, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है कैसे होती है,
एक सीक्रेट है, गुरु की जो आशा है ना आपके ऊपर उसकी वजह से होती है। गुरु ने आशा किया कि अरे कारगर के भक्त मिलके बहुत सुंदर मंदिर बने, ऐसे उनकी आशा है। उस आशा के बल पे हम सब प्रगति कर रहे हैं, वो आशा और रख सकते हैं, लेकिन हमारी जो आशा है किसी, इसलिए अफलाकांक्षी भी ही, मैं करूँगा ये मिलेगा, ये मिलने से वो मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, बिल्कुल डोंट हैव एनी फेथ इन एनी बडी इन दिस वर्ल्ड। ये जो आपका श्रद्धा है, विश्वास है, मुझे सुख मिलेगा, ये ऐसा ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा तो मुझे पैसा मिलेगा तो ये होगा, पैसा मिलेगा तो मुझे विवाह होगा, विवाह होगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, हाँ ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो सब बिल्कुल बेकार। असल अफलाकांक्षी भी यज्ञ, और यज्ञ करो, फिर करे क्यों यज्ञ को करे? जैसे आप सब बड़े प्रसिद्ध श्लोक है वो जानते हो, कौन सा है पूरा गीता में सबसे प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? सब दुनिया में सब लोग जानते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ऐसा कौन सा श्लोक है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सुनने को मिलता है? गीता ले, हम जानते हैं गीता, क्या जानते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, आगे लाइन क्या है वो नहीं मालूम। कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवान ने कहा आपने ड्यूटी करो, हम ड्यूटी कर रहे हैं भाई, मैं हमाल हूँ, भगवान ने कहा अपना ड्यूटी करो, भगवान ने कहा मैं अब ड्यूटी करो, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं चोर हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ चोरी का। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैं अपना कर्म करूँगा, यही मेरा, हाँ मेरा कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, हमारा सिद्धांत ही खुलता है, वर्शिप इज द ओनली वर्क। हमारा सिद्धांत का नाम क्या है? हमारा सिद्धांत क्या है? हाँ पूजा ही एकमात्र काम है, और उधर कम्युनिस्ट लोग क्या लिखते हैं? काम ही एकमात्र हाँ पूजा है। हमारा उल्टा है, क्या है? पूजा ही एकमात्र काम है, हमारा कोई और काम नहीं, ठीक उल्टा है। तो ये वाला श्लोक के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहला लाइन में भगवान ने क्या कहा बताइए? ये कर्मण कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका अर्थ क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते शब्द का अर्थ क्या है इस लाइन का? तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, मा फलेषु कदाचर, उसका अर्थ क्या है? फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा लाइन है ना, एक कंपनी का मालिक इंटरव्यू के लिए सब बुलाया, गीता जानते हो? हाँ जानते हो। तो क्या कहा भगवान ने? कर्मण्येवाधिकारस्ते, सारे देखो, खाली फर्स्ट लाइन जानने से नहीं होगा, सेकेंड लाइन भी जानना चाहिए। तुम्हारा अधिकार जो है कर्म करने के ऊपर है, सेकेंड लाइन में ध्यान से, मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार तुम्हारा पगार के ऊपर नहीं है। ये ऐसी नौकरी है भाई, हाँ ये क्या है? अगर मैं काम करूं और काम करने से फल मिलता है, वो फल मेरा नहीं तो काम ही क्यों करूं? क्या बोला तुमने? क्या बोला? तुम्हारे काम करने से फल मिला, तीसरा लाइन सुनो, तीसरा लाइन का अर्थ क्या है? मां मतलब नहीं, क्या नहीं? कर्म का फल का तुम्हारा काम हेतु नहीं है। तुम्हारा काम करने से कंपनी में फायदा हुआ है क्या? हाँ कंपनी में काम करने से तुम्हारा फायदा हो रहा है, कंपनी का फायदा तुम्हारे काम से नहीं हो रहा है। तुमको मैं 24 घंटा काम करा के, गधा मजदूरी करा के तुम्हारा हित कर रहा हूँ, ये मत समझना तुम्हारी काम करने की वजह से हमको कंपनी का फायदा हो रहा है। ये क्या है? केवल मैं काम करूँ और फल भी नहीं है, हाँ फल भी मिलेगा नहीं, फल के ऊपर अधिकार नहीं है, और जो कंपनी का जो प्रॉफिट मिला है वो भी मेरी काम करने की वजह से नहीं मिला, तो फिर करूँ ही क्यों? चौथा लेख जानते हो, करना ही पड़ेगा तुमको। हाँ काम नहीं करने में आसक्त मत रहो, यानी काम करो, क्यों करूँ भाई? काम करने के बाद ही पगार नहीं मिलेगा, और कंपनी का जो प्रगति है, प्रॉफिट है, उसके पीछे है, मेरा काम कारण नहीं है, तो फिर करूँ ही क्यों?
ये गीता है। सबसे पहला भगवान ने कहा तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है और तुम्हारा अधिकार फल के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा काम के वजह से फल नहीं मिला। ऐसे कैसे? मैंने खून पसीना करके मेहनत किया तभी तो फल मिला। खून पसीना बहुत लोगों ने बहाया है, उनको फल क्यों नहीं मिला? तुमने खून पसीना बहुत बार बनाया है लेकिन फिर भी हर बार फल क्यों नहीं मिला? समझ में आ रहा है? लॉस लग रहे हो, वापस बोलो। हर कोई कहता है मैंने मेहनत किया तो फल मिला। अगर मेहनत किया तो फल मिला, हर एक व्यक्ति जो मेहनत करता फल मिलना चाहिए, नहीं मिलता क्यों? अगर मेहनत किया तो फल मिला तो हर बार मेहनत करने से हर बार फल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? इसका अर्थ क्या है? फल तुम्हारे मेहनत के ऊपर आधारित नहीं है। माँ बोलती है ना बच्चे को, बेटा खूब मेहनत करना, हाँ अच्छा, हाँ मेहनत का फल मीठा होता है। कुछ तो बोलते हैं ना, क्या मेहनत का फल मीठा, परिश्रम का फल सफलता। हाँ बेटा तुम जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा, ये सब गलत है। क्योंकि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, सबको फल नहीं मिलता। आपने एक बार मेहनत किया तो फल मिला, लेकिन 10 बार मेहनत किया तो 9 बार फेल हो गए। क्यों? क्योंकि फल देने वाले भगवान हैं, उनके हाथ में हैं। इसकी वजह से फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो फिर मैं करूं क्यों? भगवान ने कहा माते संगोस्वकर्मणि, माते संगोस्वकर्मणि। आकर्म कृति यानी काम नहीं करने के प्रति आसक्त मत रहो, करो। फिर क्यों करो? क्यों करो? भगवान ने कर्म करने के लिए क्यों कहा है? केवल एक, इसके पीछे एकमात्र कारण है संगम त्यक्त आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि के लिए, इसलिए अफलाकांक्ष वीर यज्ञों। क्यों? यज्ञ मतलब कर्म, यज्ञ मतलब कर्म। काम पता है गीता में, यज्ञ कर्म है। यज्ञ और कर्म के बीच संबंध क्या है? अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् यज्ञ संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवान् तस्मात् सर्वतम ब्रह्म नित्यं विज्ञे प्रतिष्ठितम्। दो श्लोक भक्ति शास्त्री की जो किए मान, कर्म कांड टू कर्म योग करके एक सेक्शन है, उसमें दो श्लोक आता है। क्या वो दो श्लोक? अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद यज्ञ संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवान्। यज्ञ कर्म समुद्भवान्, ये कर्म और यज्ञ के बीच में संबंध है। कर्म करना चाहिए यज्ञ के रूप में, यज्ञ के लिए। ऐसा करोगे तो क्या होगा? आप आध्यात्म बन जाओगे। कहाँ कहा गया? ब्रह्मा प्रणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम कर्म ब्रह्म कर्म समाधिना। यानी यज्ञ के संबंध में हरेक वस्तु आध्यात्म हो जाता है, यज्ञ के संबंध में हरेक वस्तु आध्यात्म हो जाता है। इसलिए अफलाकांक्षी यज्ञों, जब कार्य करोगे कोई भी आशा मत रखना। फिर क्यों करे? किसके लिए करे? आत्मशुद्धि के लिए। यस, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर हार्ट। जितने भी कार्य करते हैं हम, संस्था के अंदर हो या गृहस्थ अपने घर में हो या अपने व्यापार में हो, एक ही ध्यान रखना, ये कर्म मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूँ। क्या हरिनाम चलेगा ना? हरिनाम के द्वारा शुद्धिकरण होता है, कर्म के द्वारा क्यों शुद्धिकरण होता है? कर्म क्यों करें फिर? सब छोड़ दो, हरिनाम करो 24 घंटा। ऐसी परिस्थिति में हम लोग नहीं हैं।
इसके वजह से क्या करना पड़ रहा है, कर्म करना पड़ रहा है, वी हैव टू डू। गीता में तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम सोचते हो कर्म बंधन कर्म की वजह से नहीं है, कर्म बंधन कर्म की वजह से नहीं है, कर्म करो, बंधन जो है वो कर्म की वजह से नहीं, किसकी वजह से है, कर्म बंधन कर्म की वजह से नहीं है, आसक्ति की वजह से। लोग जो सोचते हैं कर्म बंधन जो है कर्म की वजह से है, वो क्या करते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म बंद कर देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा भगवद गीता में, न तो संन्यास्यादेव ही सिद्धिं समाधिगच्छति, न कर्मणां अनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोस्तुते, कर्म को छोड़ने से त्याग करने मात्र से कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगे। इसलिए केवल संन्यास लेने मात्र से, आगे लाल कपड़ा पहन लिया शेव कर लिया मात्र से ये मत सोचो सिद्धि प्राप्त हो गया, शुरुआत हुआ है, बस शुरुआत हुआ, जस्ट स्टार्टेड। न तो संन्यास्यादेव सिद्धि समाधि गच्छति, केवल संन्यास लेने मात्र सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ। अगर मान लो कर्म को बंद करना चाहते हो फिर भी नहीं हो पाएगा, क्यों क्यों, आत्मा हमेशा एक्टिव है, इसलिए काम करा देगी आपसे। ऐसे गीता में भगवान ने क्या कहा कि कार्यते वशकर्मा सर्वकर्मा प्रकृतेर जेर गुण ही, वशीभूत हो जाओगे कार्य करने में, आपको एक क्षण भी शांति से बैठने नहीं देगी। इसलिए काम करना जो है काम नहीं करने से आसान है, बच्चा है उसको सजा क्या देती है माँ बताओ, चुप बैठ एक ही जगह बैठो वो सजा है, एक ही जगह बैठो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन फिर उसको सजा लगता है, क्यों, करने की जो प्रवृत्ति है ना कुछ करूं वो इतना प्रबल है, वेरी स्ट्रांग। ये 6 महीना लॉकडाउन में लोग पागल हो गए, अरे प्रभु 6 महीना छुट्टी मिला शांति से रहो, और ये बस अभी काम करना है, कुछ को काम करना है, कुछ तो करना है, कुछ करना है, क्यों, ये करने की जो प्रवृत्ति है मैं कुछ करूं, वो प्रवृत्ति इतना गहराई में है चेतना में, व्यक्ति हर एक व्यक्ति कुछ किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए क्या करो, जो आपकी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करो, लेकिन किसके लिए करो, भगवान के यज्ञ के लिए करो, इसके द्वारा क्या होगा, आत्मशुद्धि, वही कर्म हमारा बंधन का कारण है, वही कर्म हमारा मोक्ष का कारण बन सकता है। वही दूध पेड़े के रूप में लोगे, पूरा बना के मावा बना के पेड़ा बना के 1 किलो खा गए, अंदर जाके पूरा सेट हो गया सीमेंट जैसा, ना ऐसा बाहर आता है ना ऐसा बाहर जाता है, पेट दर्द पूरा जाम हो गया, डॉक्टर के पास जाके चिल्ला रहा है, ओ पेट दर्द बाप पेट दर्द, डॉक्टर ने कहा अच्छा अच्छा क्या किया था, कल मैं बहुत पेड़ा खाया था, दूध अभी बचा, वहाँ दूध दूध का नाम मत लो, यही नहीं दूध है ना, है बहुत है लेकिन बस अभी उसका नाम मत लीजिएगा, उसी वजह से ऐसा हो, नहीं नहीं डॉक्टर ने कहा उस दूध को क्या बनाओ, दही के रूप में लो, वही दूध पेड़े के रूप में तुम्हारा दुख का कारण बना, वही दूध दही के रूप में उस दुख का निवारण कर, वही से वही कार्य जब खुद के सुख के लिए करोगे तो बंधन का कारण बनेगा, वही कार्य कृष्ण के लिए करोगे तो, दुर्योधन ने भी अपने कर्तव्य किया था कि नहीं, अर्जुन ने भी अपना कर्तव्य किया था, दोनों क्षत्रिय थे लेकिन दुर्योधन को भगवान दुर्योधन को नहीं चाहते थे, क्यों, क्योंकि दुर्योधन ने अपने कर्तव्यों को अपने सुख के लिए किया, अर्जुन ने क्या किया, अपने कर्तव्यों को भगवान के सुख के लिए किया, बस ये अंतर है।
कार्येन वाचा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा अध्यात्मनावा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। उस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, प्रकृतेर स्वभावात्। प्रकृति से उत्पन्न हुआ जो आपका स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार कार्य करो, स्वभाव के अनुसार कार्य करो, लेकिन आशा एक ही रखना, मेरी शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूँ। और दूसरा विधिदिष्टो, विधि के अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि कर्म कर रहा हूँ अपने मनमानी करूँगा। माँ का कर्तव्य है बच्चे को देखभाल करना, लेकिन मनमानी नहीं करना। माँ बच्चे को कैसे देखभाल करना चाहिए वो भी शास्त्र में वर्णन किया गया है। वो शास्त्रों के द्वारा संस्कृति के अंदर आया। वो संस्कृति स्वाभाविक तरीके से सिखाता है कि माँ को कैसे बच्चों को डील करना चाहिए। देखिए भौतिक जगत का परिणाम निर्माण कौन किया? भगवान ने किया। तो भौतिक जगत का नियम कौन बनाया? भगवान ने बनाया। हाँ, भौतिक जगत में हर एक कार्य कैसे करना चाहिए, भौतिक कार्य कैसे करना चाहिए, उसका नियम कौन बनाया? भगवान ने बनाया। ये शरीर का निर्माण भगवान ने बनाया, शरीर कैसे चलता है उसका भी शास्त्र भगवान ने दिया, वो आयुर्वेद है कि नहीं। लेकिन उस शरीर कैसे चलता है उसके ऊपर रिसर्च करके एलोपैथी निकला। वो क्या है? वो साइंस प्रकृति के अनुसार नहीं है। इसलिए भौतिक जीवन भी भगवान के आदेश के अनुसार जीना चाहिए। विधि का अर्थ क्या है? विधिदिष्टो। भौतिक जीवन भी भगवान के आदेश के अनुसार जीना चाहिए। मैं अपने कर्तव्यों को करूंगा लेकिन मनमानी करूंगा वो चलेगा नहीं। पति और पत्नी, उन दोनों के बीच में कुछ संबंध है, प्राकृतिक रूप में एक संबंध होता है। वो संबंधों के अनुसार उनका कर्तव्य होता है। कर्तव्य किसने दिया? भगवान ने दिया। उन दोनों के बीच विवाह होना चाहिए, विवाह कैसे होना चाहिए वो भी भगवान ने दिया। मनमानी विवाह नहीं हो सकता है। हम दोनों भाग जाएंगे कोर्ट में जाके विवाह करेंगे, ये विवाह तो नहीं होता है, प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए यज्ञ करना है विद्युदिष्टो या इज्जते यस्तव्यम एवेति मनः, यस्तव्यम एवेति मनः समादाय स सात्विका। विद्धिहीनम और यस्तव्यम एवेति मनः, ये सोचते हुए मेरा कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों को विधि के अनुसार भगवान के यज्ञ के रूप में करना, ये सात्विक कहा गया है। हरे कृष्णा। प्रश्न तो पूछे, एनी क्वेश्चन? हाँ, ये आशा अच्छी आशा है क्योंकि आपकी आशा की वजह से उसकी प्रगति होती है। मैंने इसलिए बात कहा था, आपके गुरु की आशा है आप प्रगति करें, इसकी वजह से आप प्रगति कर रहे हो। उसी प्रकार आप उनके गुरु हो, हाँ, तो आप आशा है उनसे, वो आशा में जो प्रगति करता है वो आशा हो सकता है। आरना कोरियो मोने आशा, वो तो बड़ा प्रयोजन तत्व है। वो तो हम तो हाँ बराबर। और कोई प्रश्न है? ठीक है। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। श्रीप्रभुपाद की जय।